और नगरोटा रिपोर्ट करता था अंबाला के कोर हेडक्वार्टर एरिया हेडक्वार्टर को, और अंबाला रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर के कोर हेडक्वार्टर को, और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली को, और दिल्ली बोलता था रुको आपको जवाब देते हैं, हमारा फौजी वहां गोली से लड़ रहा है, वो बेचारा पुंछ से पूछ रहा है रास्ता क्या है, पहले नगरोटा, नगरोटा से अंबाला, अंबाला से चंडी मंदिर, चंडी मंदिर से दिल्ली हेडक्वार्टर, और दिल्ली हेडक्वार्टर का जवाब रुक जाओ। जब से मोदी जी आए हैं तब से फैसला हुआ है जहां से गोली चले वही जवाब देकर के समाप्त कर दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर, ये बदलता भारत, ये बॉर्डर की रक्षा की दृष्टि से मैं आप लोगों के साथ जरूर कहना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है कि डिफेंस का कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आप देखिए ये डिफेंस कॉरिडोर नहीं होगा, ये पावर हाउस होगा, ये उत्तर प्रदेश का पावर हाउस बनेगा, ये हमको समझना है। और जो डिफेंस का कॉरिडोर बुंदेलखंड बिहार और ये जो हमारे उसमें जो जुड़ेगा तो वो भी किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो भी आपके ध्यान में। मैं आप सबसे को एक निवेदन करना चाहता हूं, ये जो फसली बटेरे हैं ना इनसे दरअसल जरूर सावधान रहिए। अब आप कहेंगे फसली बटेरे कौन है, ये ऐसे होते हैं जब फसल लग जाती है ना तो आते हैं चढ़ के चल देते हैं और कुछ नहीं करते। आप बताइए पी चिदंबरम ने वन रैंक वन पेंशन पर जाते जाते फाइनेंस मिनिस्टर के तरीके से 500 रुपए रखे थे कि नहीं रखे, 500 करोड़ रुपए रखे थे कि नहीं रखे, वो इतना अनपढ़ थे कि उनको मालूम था कि 500 करोड़ में कुछ होना नहीं है, ये वन रैंक वन पेंशन 500 करोड़ में नहीं पटना था क्या। आज मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आपके खाते में पहुंचाया, 35,000 करोड़। और उसी तरीके से हमारे बजट में जो हमारा बजट था 44,000 करोड़ से उसको बढ़ा करके 1,00,000, हमारा जो पेंशन का बजट था, क्षमा करिएगा, जो पेंशन का बजट था वो 44,000 करोड़ रुपए से बढ़ करके अब 1,12,000 करोड़ रुपए डिफेंस का हो। उसी तरीके से इंक्रीज वन रैंक वन पेंशन में 40% की गई है, और इंक्रीज जो प्रेजेंट आर्मी मैन है जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह में 55% की वृद्धि की गई है, ये भी हमको ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री जी का मानना है कि अगर फौजी ताकतवर बनता है तो देश ताकतवर बनता है और देश की सुरक्षा होती है। आपने देखा होगा कौन प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी दिवाली हमेशा फौज के साथ मनाई और वह भी सरहद पर मनाई, यह संदेश है, आप अकेले नहीं है बॉर्डर पर, देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ 140 करोड़ का देश आपके साथ खड़ा है, इस बात का संदेश। और उसी तरीके से आप देखिएगा आपके यहां जो हमारे कॉम्बेटेंट जो हमारे पोस्ट थी वह भी कन्वर्ट करके नॉन कॉम्बेटेंट पोस्ट जो थी उसको भी कॉम्बेटेंट पोस्ट में 57,000 लोगों को उसमें भी जोड़ा गया है, वह भी हम आपको बताना चाहते हैं। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट की बातचीत की थी, 1,46,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की डिमांड थी, और ये कब थी 2009 से 2014 तक, और आज मैं आपको बता सकता हूं कि 5 साल के अंदर और 5 साल कुछ नहीं हुआ और अब हमारे सरकार ने 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीद करके आर्मी को दी है। ये आप समझिए ना, बुलेट प्रूफ जैकेट आप मांग रहे थे कितने, 1,86,000, कब मांग रहे थे 2009 में, 2014 तक नहीं खरीदा नहीं। और अब आपको 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है, और इससे और मैं खुशी की बात बता दूं कि बुलेट प्रूफ जैकेट अब भारत